श्री राम समर्थ, जुलाई 28। नामस्मरण करने वाले के आगे पीछे मैं खड़ा हूँ। जो गूढ़ बात होती है उसे खोज निकालने की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। कोकण में पानी के झरने दिखाई देते हैं, वे कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता, यानी दृश्य वस्तु का मूल भी हमारी समझ में नहीं आता। तो फिर जो अदृश्य ही हैं, उनका मूल भला कैसे समझ में आएगा। मैं बोलता कैसे हूँ, मेरा मन कहाँ से आता है, यह सब जो देह बुद्धि के द्वारा ही चिंतन करता है और देह बुद्धि में ही रहता है, उसकी समझ में आना कठिन है। नामस्मरण में जो स्वयं को भूल गए उन्हीं को मैं कौन हूँ यह समझता है। तुम्हारी गृहस्थी का कल्याण हो इसलिए तुम मेरे पास आते हो, किंतु कोयला जितना घिसा जाए उतना वह काला ही होता है। उसी प्रकार गृहस्थी में कुछ भी करो दुख ही पल्ले पड़ता है। हम समझ बूझ कर जो गलतियां करते हैं उनका दोष हमारा होता है। समझ में न आते हुए यदि गलती हो गई तो वह दोष नहीं होता। गृहस्थी की आसक्ति से दुख की परंपरा चलती है और हमें प्रतिदिन यह अनुभव होता है, तो क्या यह दोष नहीं है। हमारी कहां गलती होती है यह हम देखें और जो गलत होता है उसे सुधारे। गृहस्थी में अपनी इच्छा के अनुसार सभी बातें कहां प्राप्त होती है और वे प्राप्त होना या न होना हमारे बस की बात थोड़ी होती है। तो फिर हमें फलानी बातें चाहिए या नहीं चाहिए ये भी क्यों करें। राम के होकर रहने पर इन सभी झंझटों से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम राम के होकर क्यों न रहे। जो राम से विषय मांगता है उसे यही सिद्ध होता है कि उसे राम की अपेक्षा विषय से अधिक प्रेम है। मैं तुम्हारे पास आता हूँ लेकिन आप मेरे लिए रास्ता खुला ही नहीं रखते। मेरे आने के लिए तुम रास्ता खुला रखो, यानी तुम निरंतर नामस्मरण करते रहो। मैं कभी भी किसी के बारे में निराश नहीं होता हूँ। जिसने मनुष्य जन्म लिया है उसका उद्धार होगा ही। मुझे राम के सिवाय और कोई प्यारा नहीं है। देह के भोगों से मैं कभी उकताया नहीं। सच कहता हूँ तुम भगवान का नाम लो, इससे ज्यादा मुझे और कोई भी अपेक्षा नहीं है। रात दिन मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान का स्मरण करना मत छोड़ो। जो कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ उसे नाम से प्रेम होना अनिवार्य है। जीवन में तुम घबराओ मत, धीरज मत छोड़ो, और लेना ही हो तो नाम ही लो। मेरा नियम ऐसा है कि परमार्थ में एक भी बात ऐसी न हो जो व्यवहार के लिए बाधा बने। मेरे गांव में पैसे की फसल नहीं होती लेकिन भक्ति की फसल बहुत अच्छी होती है। जिसके मुंह में भगवान का नाम है, अर्थात जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, उसके आगे पीछे मैं खड़ा हूँ। मैं तुम्हारा पास हूँ ही, जब वह कैसे हूँ उसका विचार तुम मत करो। तुम केवल नामस्मरण करो, शेष सब मैं करता हूँ। होश में नाम लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, फिर नींद में और बेहोशी में नाम लेने की जिम्मेदारी मेरी है, वह मैं संभाल लूंगा। आज का मुख्य विचार, जहाँ नाम है वहाँ मैं हूँ, यही भरोसा रखो तुम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर।